नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी जानते हैं कि माइक्रोमैक्स की सेल आज से शुरू हो चुकी है। हाल ही में माइक्रोमैक्स ने दो नए स्मार्टफोन भारतीय बाजार में लॉन्च किए हैं और वो आज से उपलब्ध हो जाएंगे। पर यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किस फोन को लेंगे? इंडियन ब्रांड का फोन इंडिया में फाइनली आ चुका है और आप उत्सुक भी हैं, लेकिन किस फोन को लेंगे ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। पर उससे पहले आज मैं आपको इन दोनों फोन के स्पेक्स से रूबरू कराता हूँ। जिन्होंने इन फोन के लुक्स को नहीं देखा है, जिन्होंने इन फोन के डिजाइन को नहीं देखा है, स्पेक्स के बारे में नहीं जानते, उनके लिए वीडियो है, आप जरूर देखिएगा इस फोन को। यह है माइक्रोमैक्स का 1B जो कि कम बजट का स्मार्टफोन है, और यह है माइक्रोमैक्स का नोट 1 जो कि थोड़ा सा उससे ऊपर है। हालांकि कम बजट का यह भी है, लेकिन इससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर है। अब यहां पे पहले मैं आपको स्पेक्स बता दूं। अगर हम बात करें पहले डिजाइन की बात करते हैं, क्योंकि हमने फोन पलट दिया, डिजाइन से शुरुआत कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों फोन देखने में काफी शानदार लुक्स के साथ पेश किए गए हैं। आपको दोनों में बैक पैनल बहुत ही शानदार मिल जाता है। इसमें ग्लॉसी फिनिश मिलता है और इसमें मैट फिनिश मिलता है। टेक्सचर पैनल दिया है इसमें, इसमें आपको स्मूथ ग्लॉसी पैनल मिलता है। लुक आप देख सकते हैं, पीछे एक्स पैटर्न दिया गया है, बहुत ही शाइनी ग्लॉसी पैनल है। फिंगरप्रिंट सेंसर है, 4 कैमरास हैं इसके अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है पैटर्न मिलता है, एक रगेड पैटर्न है, एक पट्टी सी दी गई है साइड में, मैट फिनिश है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, 2 कैमरास मिलते हैं, और इसका स्पीकर जो है इधर पीछे की तरफ ही दिया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे बता दूं कि अब बहुत ही अच्छी बात है कि दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, और 3.5 ऑडियो जैक भी दिया गया है। इसके अलावा कंपनी ने दोनों में यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको डेडिकेटेड गूगल असिस्टेंट बटन भी दिया है। तो भाई लुक तो शानदार है, फीचर वाइज भी काफी दमदार है। आप डिनाई नहीं कर सकते कि फीचर से लोडेड नहीं है ये फोन्स, दोनों ही काफी अच्छे फीचर से लोडेड है। अब डिजाइन आपने जान लिया, आपने सोच भी लिया होगा कौन सा फोन डिजाइन में अच्छा है, और आपने डिसाइड कर लिया होगा किस फोन को आप लेना चाहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिजाइन। अब बात आती है डिस्प्ले की, तो आपको बता दूं कि माइक्रोमैक्स नोट 1 में मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले, और माइक्रोमैक्स 1B में आपको मिलता है 6.5 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले। अगर हम यहाँ पे डिस्प्ले को देखें तो एक में आपको वाटर ड्रॉप शेप नॉच मिलता है, और एक में आपको इसमें पंच होल है, इसमें वाटर ड्रॉप शेप नॉच है। तो दोनों का डिस्प्ले थोड़ा सा अलग जरूर है, प्राइस रेंज को ध्यान में रखना पड़ेगा। दोनों का प्राइस का अच्छा खासा डिफरेंस है। ये आपको लगभग 11-12 हज़ार के प्राइस में मिलता है, 2 मॉडल इसके हैं, और ये इसकी शुरुआती कीमत है 6,999 रुपये। तो प्राइस को ध्यान में रखिएगा, इसमें पंच होल है, इसमें वाटर ड्रॉप नॉच है। इसके साथ साथ आपको इसमें मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G85 चिपसेट, तो इसमें G35 चिपसेट मिलता है। इसकी जो बेस वेरिएंट है, इसका बेस वेरिएंट है वो 4GB रैम के साथ 64GB है। इसका बेस वेरिएंट है 2GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज, और इसमें आपको 4/128 मिल जाता है, और इसमें आपको 4/64 इसमें भी आपको मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ कंपनी ने लॉन्च किया है। दोनों में 5000mAh की बैटरी भी मिल जाती है आपको, पर फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको मिलता है 18 वाट का चार्जर और यहाँ मिलता है 10 वाट का चार्जर, तो चार्जिंग स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके साथ साथ दोनों में एंड्रॉइड 10 दिया गया है, तो एंड्रॉइड 10 दिखा देता हूं अबाउट में जाके आपको मैं। यहाँ आप देख सकते हैं एंड्रॉइड वर्जन 10 दिया है, नियर स्टॉक एंड्रॉइड दोनों में आपको मिल जाता है। हालांकि थोड़ी बहुत कंपनी ने ट्विक किया है थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर को, ताकि वो यूजर फ्रेंडली बन सके। तो स्पेक्स वाइज दोनों ही काफ़ी दमदार हैं, प्राइस रेंज अलग है। हालांकि एक के स्पेक्स थोड़े कम लगेंगे, एक के स्पेक्स थोड़े पावरफुल लगेंगे, पर उसका ये मतलब नहीं कि एक कमज़ोर है और एक अच्छा ज़्यादा है। वो बेसिकली प्राइस रेंज को ध्यान में रखते हुए आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब आपने इन दोनों फोन के स्पेक्स जान लिए, लुक्स जान ली, कैमरा कैसा है वो बता दूँ कि अगर हम नोट 1 की बात करेंगे तो 4 कैमरा इसमें आपको मिलते हैं, 48+5+2+2। 48 मेगापिक्सल प्राइमरी है, 5 मेगापिक्सल इसमें आपको वाइड एंगल सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो है, और 2 मेगापिक्सल डेप्थ के लिए दिया गया है। वहीं बात करें 1B की, तो इसमें 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा आपको मिल जाता है, 13 मेगापिक्सल जो है वो मेन कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है। फ्रंट कैमरा की बात करेंगे तो इसमें है नोट 1 में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर, जबकि 1B में है 8 मेगापिक्सल का फ्रंट शूटर। तो भाई लोग, प्राइस की वजह से काफी डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने इन दोनों फोन्स के स्पेक्स और फीचर्स के बारे में अच्छे जान लिया, लेकिन अब आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन दोनों में से कौन सा इंडियन स्मार्टफोन लेंगे? क्या आप माइक्रोमैक्स ने जो शुरुआत की है इसे सपोर्ट करेंगे, इस इंडियन फोन खरीदेंगे, या फिर भी चाइनीज फोन खरीदना चाहेंगे? मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है, और आप इनमें से कौन सा फोन लेंगे वो भी जरूर मेंशन कीजिएगा। और हमेशा की तरह ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Until then, this is Keshav Khera signing off.